Hello friends, I am Dr. Neelam Kushwah, consultant gynecologist at JK Hospital. आज हम सभी लोग एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पर इंडिया में एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसमें भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन है. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हमारे फूड में सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी की वजह से होता है. तो इसको पूरा करने के लिए हम हमारे डाइट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उससे ही हम इससे बच सकते हैं. और प्रेगनेंसी में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. इंडिया में मोस्टली विलेजेस में जो उन लोगों की डाइट होती है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होती है. उन लोगों की जो अनबैलेंस डाइट होती है वही उसका मोस्ट कॉमन रीज़न है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का. इसको हम इसके बचाव के लिए हम पेशेंट को कुछ डाइटरी चेंजेस करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं और इसको उससे बचाया भी जा सकता है. डाइट में वो हरी सब्जियां वगैरह ज़्यादा ले, सीजनल फ्रूट्स वगैरह ले, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले, उससे हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से बचाया जा सकता है पेशेंट को. और हर नौ महीने की प्रेगनेंसी के दौरान वो अपना रूटीन चेकअप कराए किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर. वो कम से कम अपने 3 से लेकर 4 फॉलोअप रखे, उससे भी हम बचा सकते हैं उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने से. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को बचाने के लिए हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन आयरन, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स ये सब भी दे सकते हैं. उससे भी पेशेंट को ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने से बचाया जा सकता है. और यही है कि हम डाइटरी मॉडिफिकेशन कर भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को बचा सकते हैं. थैंक यू.